इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और वहाँ पे उन्होंने एड्रेस करना था 24 फरवरी को श्रीलंकन पार्लियामेंट में, लेकिन वो स्पीच जो है उनकी वो कैंसिल हो गई है। बायलैटरल ताल्लुकात तो एक साइड पे, लेकिन वो जो 22 तारीख को उन्होंने पहुंचना है श्रीलंका और 24 को वो स्पीच करनी थी, लेकिन वो स्पीच कैंसिल हो गई। उसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, उसकी दो मेजर वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वजूहात। पहली वजह जो बताई गई है वो तो ये बताई गई है कि इस स्पीच में जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंका और पाकिस्तान के माजी के ताल्लुकात देखते हुए, और जो कि बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं हल्की सी बात करूंगा, ये बात कश्मीर के हवाले से बात करनी थी, कश्मीर इशू को वहां पे उठाना था। तो एक पार्लियामेंट के आगे जब कश्मीर इशू को उठाया जाता तो डेफिनेटली उसकी एक और अहमियत बनती है। जिसको जो श्रीलंकन जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं जनाब महिंदा यापा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड की वजह से वो होगी, ये कैंसिल हो करनी पड़ेगी हमें। जबकि ये जो बात है वो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं जयानाथ साहब, उन्होंने ये बात की। अच्छा, अब देखना ये है कि क्यों करके कश्मीर के हवाले से भारत इतना ही ज़्यादा असर रखता है श्रीलंका में, या क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि रिसेंटली जो एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जो इन कोलंबो पोर्ट जो था, वो बेसिकली इंडिया के साथ वो एक मुआहदा था, वो भी कैंसिल हो गया। चीन का बहुत ज़्यादा असर रसूख है वहाँ पे। तो एक तो कश्मीर हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा कि शायद इंडिया हमसे नाराज़ हो जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से ये बात है कि जो राइट्स ऑफ मुस्लिम्स हैं, शायद इमरान खान साहब उसके बारे में बात करते कि जी मुसलमानों के हालात जो है, मुसलमानों को अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए और इस तरह और उस तरह। लेकिन ये बात भी हमें देखनी है कि क्या मुसलमानों की बात करना या मुसलमानों के हकूक की बात करना, क्या पाकिस्तान ने ठेका लिया हुआ है इस्लाम, आलम इस्लाम का, कि हमने इस्लाम मुसलमानों की बात करनी है। ठीक है, मुसलमान हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बात भी करनी चाहिए, पर इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो जाएं। तो ये थोड़ी सी चीजें समझने की हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो श्रीलंका है, उनकी ये जो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है जनाब राजा पाक्सा साहब की, ये पहले भी जारी बात है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, और मजे की बात ये है कि इन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, उसका नाम है इंडिया फर्स्ट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये समझने की है कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच इन्होंने डिस्कस की है, और इंडिया फर्स्ट अप्रोच से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि हम इंडिया की इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे। वो जो उनके जो एक रीजनल फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर वो कहते हैं हम इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि इंडिया जो है वो हमें, हमसे नाराज हो या हमसे दूर जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुक रखना, ये इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, उधर से चाइना की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। हालांकि श्रीलंका ये कहता है कि चाइना, इंडिया जो है उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो है वो हमारे दोस्त हैं, और उसकी माजी की वजूहात भी हैं, वो भी डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन ये दोनों बड़ी अहम चीजें हैं कि पाकिस्तान को ये समझना है कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो किस हद तक उससे दोस्त और दुश्मन जो है वो अनॉयड हो रहे हैं क्या। देखिए, मुस्लिम उम्मा ने इसके ऊपर बात करना जो है बंद कर दी, उन्होंने ओआईसी ने कोई इजलास नहीं बताया, सऊदी अरब यूएई ने बात ही करना बंद कर दी, उन्होंने तो इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं की। सो ये एक पाकिस्तान क्या वाकई ही इस फ्रेमवर्क को समझ रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के मसले से पीछे हट रहे हैं, तो उसका पाकिस्तान के पास क्या लाया अमल है? क्या फॉर अ मोमेंट हमें इस मसले को इग्नोर कर देना चाहिए? क्या फॉर अ मोमेंट हमें इस मसले को जो है वो साइड पर रख देना चाहिए और बायलैटरल ताल्लुकात बनाने चाहिए, या कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई नहीं, हमें कश्मीर के मसले को लेके ही जाना है तो तभी हमारी चीजें ठीक होंगी। ये दोनों चीजें ये पाकिस्तान ने फैसला करना है, जो कि मेरे ख्याल से
फॉर अ मोमेंट अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली ज्यादा इंगेज हो, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली ज्यादातर इंगेज हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ना कि हम ये कहते रहे जी कि हमें इससे पहले कश्मीर की बात करनी है। कश्मीर इज अ टॉप मोस्ट एजेंडा ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली, लेकिन जब तक आपका एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश नहीं होता तो जारी बात है कश्मीर की बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, एक लॉन्ग डिस्प्यूट। दूसरा मुसलमानों के हवाले से, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हमें जिस चीज को समझना है वो ये है कि आलम इस्लाम का हमने ठेका नहीं लिया, हमने इस्लामोफोबिया का ठेका नहीं लिया हुआ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और हमने इसके ऊपर बोलना है। देखिए चाइना में अंदर मुसलमानों के अंदर क्या हो रहा है, हम खामोश हैं, वो छोड़े क्योंकि वो हमारा ताल्लुक है वहां पे, लेकिन अगर श्रीलंका में मुसलमानों के साथ कुछ होगा तो हम फौरन बोलेंगे और कहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ट्वीट भी कर दी इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी वी वेलकम श्रीलंकन पीएम महिंदा राजापक्सा अश्योरेंस कि जी वो जो श्रीलंका के मुसलमान हैं उनको जो कोविड से मरेंगे उनको वो दफनाएंगे। सो ठीक है करें बात, लेकिन अगर दुनिया आपको लेबल करना शुरू कर दे कि भाई ये बात आएगा ये तो इस्लामोफोबिया की बात करेगा, इस्लामिस्ट की बात करेगा, सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, सिर्फ कश्मीर की बात करेगा, तो आपका जो एजेंडा है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। पाकिस्तान को शायद इस चीज को समझना होगा बड़ी तेजी से, हमारा एजेंडा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा रिविजिट करना है कि क्या हमारा नेशनल इंटरेस्ट कश्मीर इशू को प्रॉपरली उजागर करने से मदम पड़ा है कि ऊपर आया। मुसलमानों के हकूक के लिए बात करने के लिए पूरी दुनिया में या इस्लामोफोबिया के हकूक के लिए इस्लामोफोबिया के बात करने से नीचे क्या कि ऊपर क्या है, डेफिनेटली हमारे जो दोस्त मुल्क थे उन्होंने वो अनकंफर्टेबल हुए हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इकोनॉमिक मॉडल ऑफ इंडिया। तो जो अगर वो इस तरह की चीज है तो फिर हमें क्या सोचना है, क्या हम एक ही चीज लेके चलते रहेंगे या कि हम जो है वो अपने आप को बदलेंगे थोड़ा, या हम समझेंगे कि नहीं अभी हम चीजों को हमें थोड़ा सा लेके चलना है। देखिए श्रीलंका पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि श्रीलंका कि माजी में पाकिस्तान ने बड़ी मदद की, जब वहां पर सिविल वॉर हो रही थी हमने उनको मदद दी, हमने उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन इंडिया का किरदार जो था वो एक और था। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आज श्रीलंका का दौरा किया है, और श्रीलंका का दौरा करने से पहले ही उन्हें एक बहुत बैड न्यूज़ मिली थी। उन्हें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को श्रीलंका की पार्लियामेंट है वहाँ पर संबोधन करना था, मतलब वहाँ पर ये स्पीच देते, तो उस स्पीच को वैसे ही श्रीलंका ने पहले ही कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी शोर मचा था पाकिस्तानी मीडिया में, और पाकिस्तानी मीडिया ने बोला था ये खबर झूठ है ये और वो, लेकिन अब वो सच साबित हुई। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कमर चीमा, जो इंडियन मीडिया में काफ़ी भोंकते हैं लेकिन बहुत सेंसिबली बता रहे हैं कि इमरान खान क्यों इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, इस्लाम का ठेका लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं सोच रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान क्यों नहीं सोच रहा है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के बारे में, हम कश्मीर कश्मीर कब तक करेंगे। शायद पहली बार आपने कमर चीमा को इतना सेंसिबली सुना होगा, ये मतलब सेंसिबली बोलते हुए देखा होगा और सुना होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कमर चीमा जैसे जिहादी माइंडसेट के टीचर के अंदर इतना चेंजेस आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आपको बता दें कि कमर चीमा इंडियन मीडिया पर आते हैं तो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इंडियन मीडिया पर आकर ये पाकिस्तान की सच्चाई नहीं बता सकते, पाकिस्तान के बारे में ये ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो ये जो बातें हुई हैं ये कमर चीमा की तरफ से डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मतलब कदम है कि पहली बार इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बातें की हैं, ना कि इस्लाम का ठेकेदार बनने की और कश्मीर की बातें की हैं। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हम कश्मीर कश्मीर कब तक करेंगे। इंडिया इतना पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री है कि उसका दुश्मन कोई भी देश नहीं बनना चाहेगा। आप कब तक ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कब तक मतलब आप चलेगा, ये सीधी सीधी बात कमर चीमा ने कर दी है। आपको बता दें कि कमर चीमा यहाँ पर ये भी बोलते नजर आए कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, श्रीलंका पूरी तरह से पाले में है इंडिया के, और इंडिया मतलब आप समझ सकते हो, इंडिया ने सार्क के सारे देशों में वैक्सीन पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट किया, जो कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ें कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है ही नहीं, खुद भीख पर जिंदा है। पाकिस्तान यही सोचता है कि कौन से देश से कब हमें कितनी भीख मिल जा सकती है, तो इस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है। अब इमरान खान भी शायद श्रीलंका में जाकर अगर पैसे वैसे मांग लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी, क्योंकि
उनकी ये आदत है। तो अब देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान ये कोविड में शायद इस तरीके का दौरा करने वाले, मतलब अपने जो एरिया है, एशिया है, साउथ सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, शायद पहले ही इंसान होंगे कि किसी दूसरे देश की विज़िट करेंगे। मोदी जी को भी बांग्लादेश जाना है अभी कुछ दिनों बाद, तो देखते हैं क्या होता है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल में इसी तरीके की आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।